हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसे भोपाल डिजास्टर भी कहा जाता है, उसके बारे में समझेंगे कि बेसिकली क्या हुआ था उस दिन। ये बात है भोपाल की, जो कि एक सिटी है इंडिया में। वहाँ पे एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की। उस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, और पेस्टिसाइड को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC भी कहते हैं। तो हुआ क्या था उस दिन, जो भी लीकेज हो गई थी MIC गैस की, मैं इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड को MIC बोलूँगा शॉर्टकट में, तो उसकी लीकेज हो गई थी। उसके कारण सारा के कारण माना जाता है कि 1984 में 3,000 के करीब करीब लोग जो है वो मारे गए थे, और साथ ही साथ 3 लाख के करीब करीब लोगों को इंजरीज हुई थी। कईयों को माइनर इंजरीज हुई थी, कईयों को मेजर इंजरीज हुई थी। और अगर आज की डेट की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस डिज़ास्टर के कारण अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोग, यानी कि 15,000 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और तकरीबन तकरीबन 15 लाख के करीब करीब लोग जो वो इंजर्ड हुए हैं इस डिज़ास्टर के कारण। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की और 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर के बाद जब ये ट्रेजिडी हुई थी, उसके नेक्स्ट डे यानी कि 4 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने एक केमिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर त्यागराजन, उनको भेजा गया कि अब प्लांट को सेव किया जाए। जब वो वहाँ पर पहुँचे प्लांट में, तो उनको पता लगा कि बेसिकली वहाँ पे जो मेन यूज़ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का, जिसको पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो बेसिकली हार्मफुल गैस है, नॉर्मल गैस नहीं है। इसको हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते, इसको बड़े बड़े कंक्रीट के जो टैंक्स होते हैं उनमें स्टोर किया जाता था, और फिर इनको अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता था। तो बेसिकली वहाँ पे 3 टैंक्स थे ऐसे, एक था E610, E611 और E619। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी, जो भी उसमें ये कहा गया था कि एक टैंक को हमेशा बैकअप के लिए रखा जाएगा और 2 टैंक्स को फिल किया जाएगा। जो 2 टैंक्स फिल किए जाएंगे उनके लिए भी रिकमेंडेशन थी कि उन दोनों टैंक को 50% तक फिल किया जाएगा। यानी कि अगर E610 टैंक की बात करें तो उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा थी, बट रिकमेंडेशन ये थी कि इसको 50% तक फिल किया जाए, यानी कि उसमें सिर्फ 32 टन तक ही गैस भरी जानी चाहिए। और बेसिकली मैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की बात कर रहा हूँ, तो उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता था टैंक के बीच में। अगर मैं लिक्विड फॉर्म की बात करूँ तो 32 टन तक की कैपेसिटी में उसको स्टोर करना था, ये रिकमेंडेशन थी। बट वो जो टैंक था E610, उसमें हमने क्या कर दिया था, 42 टन तक हमने वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में MIC को स्टोर करके रखा था, जबकि वहाँ पे जो रिकमेंडेशन थी वो सिर्फ 32 टन की थी। यानी कि 50% रिकमेंडेशन थी, वहाँ पे 75% तक उसको फिल किया गया था। और जो तीसरा टन बैकअप की बात थी, वो भी बैकअप के लिए नहीं रखा था, उसमें भी MIC गैस फिल करके रखी हुई थी। और यही MIC गैस लीक हो गई थी और जाके एटमोसफेयर में जो बाकी की गैसेस थे उनके साथ मिल गई थी, और बाकी लोग जब इनहेल कर रहे थे ऑक्सीजन, तो साथ में ये गैस भी इनहेल कर रहे थे, जिसके कारण उन सभी को इंजरीज हुई थी। कहीं डेथ भी हुई थी और कहीं जाके इंजरीज भी हुई थी। तो ये था जब त्यागराजन वहाँ पे पहुंचे, उनको सारी बात का पता लगा। अब बात तो ये थी कि E610 से लीकेज हुई थी, इसके बारे में पता लग गया था। बट अभी जब उनको पता लगा कि बाकी के 2 टैंक्स में भी अभी भी गैस फिल है, तो अब उनका मेन मकसद ये था, मेन एम ये था कि अब बाकी, अब ये तो कंफर्म नहीं था कि हाँ एक ही टैंक से गैस लीक हुई है, तो बाकी के दो गैस से भी, बाकी के जो 2 टैंक थे वहाँ से भी गैस लीक हो सकती थी। अब उनका मेन ये काम था कि जो बाकी के 2 टैंक हैं उनको सेव किया जाए, प्लांट को सेव किया जाए। तो उसके लिए मेन जो काम था वो ये था कि उस प्लांट को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। बट वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल पीपल थी, जो भी थे, वो सब इस बात के लिए मान नहीं रहे थे। तो इसलिए जो ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन फेद, यानी कि लोगों पर विश्वास दिलवाना। तो जो भी हुआ था, उन्होंने जो भी काम किया था करके, वो प्लांट को सेव कर दिया, बाकी के 2 टैंक्स को सेव कर दिया था। अब बात करते हैं, ऐसा कोई भी प्लांट होता है इस तरह का, तो वहाँ पर एक वेंट गैस स्क्रबर होता है, जिसका काम यह होता है कि कभी भी कोई भी गैस लीक होगी तो वो स्क्रबर तक पहुँचती है, और वो स्क्रबर क्या करता है, वहाँ पर जो भी गैसेज होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस ये जो प्लांट था यूनियन कार्बाइड का, जो फैक्ट्री थी भोपाल में, यहाँ पर भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी, बट एज ये चीज़ थी वहाँ पे भी वेंट गैस स्क्रबर, बट वो एक्शन में नहीं था, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा था। एक तो ये लिमिटेशन थी इसके, ये भी माना जाता है कि ये भी एक कारण था जिसके कारण ये ट्रेजिडी हुई। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट होता है, वहाँ पे वाटर होसेज होते हैं, जिसके कारण जब चिमनी से गैस बाहर निकलती है तो उसमें वाटर से प्रेशर, मतलब वहाँ पे पानी फेंका जाता है, जिसके कारण वो गैस नीचे बैठ जाती है। तो यहाँ के जो वाटर होस थे वो, उनकी इतनी हाइट थी ही नहीं कि वो चिमनी तक पहुँच पाए, तो ये भी एक रीज़न था इस ट्रेजिडी का। अगर वाटर होस ठीक होते, साथ ही साथ वहाँ पे जो वेंट गैस स्क्रबर की हम बात करें वो भी एक्शन में होता, तो ये गैस लीक नहीं हो पाती। अगर लीक भी होती तो न्यूट्रल होकर होती, जिसके कारण किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। अब ये दोनों काम क्यों हुए, क्योंकि कुछ साल पहले यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री ने अपने आप को एक्सपैंड किया था। एक्सपैंड कर तो दिया था उन्होंने, बट वो मार्केट में चल नहीं पाए, उनकी कंपनी जो फैक्ट्री थी वो चल नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो खर्चे थे उनको कम करना स्टार्ट कर दिया, सेफ्टी को इग्नोर कर दिया, अपने खर्चे कम कर दिए,
जिसके कारण इन्होंने वेंट गैस स्क्रबर की तरफ ध्यान नहीं दिया, वाटर होसेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये भी कारण माने जाते हैं। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मेन रीज़न पता लगा कि क्या रीज़न था इस ट्रेजेडी का। मेन रीज़न अब आपको बताते हैं। हमने बात की कि गैस लीक हुई थी वहाँ से, बट हमने कुछ देर पहले कहा था कि जो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड था उसको लिक्विड फॉर्म में टैंक में स्टोर किया जाता था, तो ये गैस कैसे लीक हुई उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ से जो पाइपलाइंस होती हैं वाटर की, गर्म पानी होता है वहाँ से, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कॉन्टैक्ट में आ गया था। जैसे ही वो इसके साथ मिक्स हुआ MIC गैस के साथ, तो MIC गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके कारण वो बॉयल होना स्टार्ट हो गई, और बॉयल होते होते वो इवेपोरेट होके बाहर लीक हो गई। अब क्या होता है, ऐसी जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एक अरेंजमेंट होते हैं जिसके कारण पानी जो है वो वहाँ पे मिक्स नहीं हो पाता, बट वहाँ पर वो अरेंजमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, उसके लिए उसके कारण क्या हुआ, पानी जो वो MIC गैस से मिक्स हो गया, और ये जो आपको डिजास्टर के बारे में बात करें, डिजास्टर हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पे जो टैंक्स थे उनमें वो भी कोरोड हो चुके थे, क्योंकि पानी कॉन्टैक्ट में आ रहा था तो उनमें भी कोरोजन हो गया था। तो मेन रीज़न यही थे, एक टैंक का कोरोजन, और दूसरी चीज़ जो वहाँ पे वाटर MIC गैस के कॉन्टैक्ट में आ गया था। ये कुछ रीज़न थे जिनके कारण ये ट्रेजेडी हुई थी। अब एक छोटी सी बात और इसे रिलेटेड, कि जब ये ट्रेजेडी हुई थी 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं, उसके कुछ दिनों में जो इसके CEO थे वो भी इंडिया आए अमेरिका से जांच पड़ताल करने के लिए, क्या रीज़न थे। बट इंडियन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था। लेकिन उनको अरेस्ट करने के बाद उनको लॉकअप में नहीं रखा गया, बल्कि उनको उठा के गेस्ट हाउस में ले गए, जो यूनियन कार्बाइड का गेस्ट हाउस था उनको वहाँ पर ले गए। और उस समय भोपाल में सबसे बढ़िया गेस्ट हाउस इसी का माना जाता था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का। तो कुछ दिनों बाद वो बेल मिली, जमानत में वो वापस अपने अमेरिका में चले गए। अभी तक वो ऐसा मानते हैं, माना जाता है कि ये जानबूझकर किया गया इंसिडेंट है, ये कोई वो नहीं था कि ट्रेजेडी नहीं थी, ये खुद लोगों ने ये इस चीज़ को अंजाम दिया, ऐसा माना जाता है अभी भी। बट जो मेन रीज़न थे वो ये सामने आए थे। तो ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। तो अब से आपको हर संडे को इसी तरह की वीडियोस देखने को मिला करेंगी हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।